हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन गर्ग वेलकम्स यू फॉर द लेक्चर नंबर 20 ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्या है ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 20? ये है वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे ठीक से कि भाई कैसे कैसे वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। ये हमारी बात है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों में कौन कौन आते हैं? जो भी हमारी जैव विविधता को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो टाइगर हो, चाहे भली वो फ्रॉग हो, चाहे भली वो कोई भी एनिमल्स हो, वो सब किस में आ जाएंगे? वन्य जीव संरक्षण के अंदर आएंगे। वन्य जीव संरक्षण दो तरीके से होता है, देखिए। एक होता है इन सितु और एक होता है एक्स सितु। ठीक है, स्वस्थाने इन सितु को बोलते हैं। इन सितु मतलब स्वस्थाने और एक्स सितु हो गया बहिस्थाने। अब ये होते क्या है, इनको समझाओ पहले तो। सर देखो, यदि टाइगर पैदा हुआ कहां पे? टाइगर पैदा हुआ रणथंभौर नेशनल पार्क में। ठीक है, यदि इसका संरक्षण यदि यहीं किया जाए तो इसको हम क्या बोल देंगे? इन सितु बोल देंगे। यदि किसी प्रजाति का संरक्षण उसके मूल आवास में ही किया जाए, इसको इस प्रक्रिया को बोलते हैं इन सितु। ठीक है, और यदि एक्स सितु का मतलब क्या होता है? यदि किसी प्रजाति का संरक्षण उसके मूल आवास से हटके किया जाए, जैसे कि पैदा कहां हुए थे? रणथंभौर नेशनल पार्क में ये टाइगर, और मैंने इसको लाके कहां डाल दिया? राम निवास गार्डन जो है जयपुर में, उसमें मैंने आपको डाल दिया। ठीक है, ये हुआ एक्स सितु, मतलब जब किसी प्रजाति का संरक्षण उसी के मूल आवास में किया जाए उसको बोलते हैं इन सितु, और स्वस्थाने, और जब किसी प्रजाति का संरक्षण मूल आवास से विपरीत में किया जाए तो उसको क्या बोल देंगे? एक्स सितु बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम? इन सितु के एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, कि इन सितु में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो जितने भी नेशनल पार्क है ना, नेशनल पार्क जितने भी, वो सब इसी में आते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभयारण्य जितने भी हैं, जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं वो, इसके अलावा में जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र, समझ रहे हो आप, जहां पे शिकार करना मना हो। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये आएंगे हमारे इन सितु में, यहां पे ये पैदा हो रहे हैं और यहीं पे इनका आवास है, यहीं पे इनका संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, एक्स सितु में क्या आ रहा है? इनके आवास के विपरीत हम जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया जू, जितने भी जंतु वाले बने हुए। ठीक है, जैसे मृग उद्यान, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम मृगों को अलग से एक उद्यान में डाल देते हैं। ठीक है, तो मृग उद्यान, या फिर एक होती है जीन बैंक्स, जहां पे इनके जीन्स तैयार किए जाते हैं। किसी भी एक टाइगर को लेकर चले गए, उसके जीन्स को चेक किया, वो सब कर रहे हैं जो है, या फिर नए जीन्स डेवलप कर रहे हैं किसी टाइगर में, तो उसको बोलते हैं जीन बैंक। एक्स सितु में इन एग्जाम्पल्स को याद रख लेना, सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सितु में इन वाले एग्जाम्पल्स को याद रख लेना। कोई दिक्कत यहां तक? स्वस्थाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहिस्थाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको लाइन से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे नेशनल पार्क को, फिर पढ़ेंगे हम वन्य जीव अभयारण्य को, जो 26 है हमारे राजस्थान में, फिर आएंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स पे। ठीक है, सबको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे, आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम जीन बैंक्स, मृग उद्यान, जू, इन सबको लाइन से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है वन्य जीव अभयारण्य जो 26 है। इन वन्य जीव अभयारण्य जो 26 है, ये बहुत ही स्टैटिक पोर्शन है, यूं का यूं तीन पेज का है, तीन तीन लाइन हर किसी के। ये इनके मैं आपको सीधे के सीधे नोट्स में आपको PDF डाल दूंगा चैप्टर के साथ में, देखना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसमें आप देखोगे तो आपको बराबर से ये मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, बाकी और सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहां पे। अब बात करते हैं स्वस्थान हो गया, बहिस्थान हो गया, अब हम मैं आ गया नेशनल पार्क्स पे। ठीक है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? देखो, सिंपल बात, यदि हम डेफिनेशन पे जाएं नेशनल पार्क, हालांकि राजस्थान के लिए तो जरूरत ही नहीं डेफिनेशन की, वो जब हम जैव विविधता पढ़ रहे होते तब देखते हैं, लेकिन नेशनल पार्क की फिर भी डेफिनेशन देख लो। नेशनल पार्क वो होते हैं जहां पे एक या एक से अधिक, सामान्यतया जो होता है वो एक से अधिक प्रजातियों का जो है क्या किया जाता, संरक्षण किया जाता। जैसे कि नेशनल पार्क यदि कोई बन रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं कि स्पेशल सिर्फ टाइगर्स के कारण बना है, हो सकता है उसमें साथ में लायंस भी हो सकता है उसमें साथ में फॉक्सेस भी हो सकता है उसमें साथ में क्या हो,
कोई भी हो, पैरट लो मैंने तोता ही लगा दिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। नेशनल पार्क में सामान्यतया ये होता है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। सामान्यतया का मतलब क्या हुआ कि सामान्यतया एक से अधिक प्रजातियों का संरक्षण यदि किया जाए तो उसको क्या बोल देंगे, नेशनल पार्क बोल देंगे, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको बोलते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, यहां पे क्या होता है, सामान्यतया एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, एक ही प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? एक ही प्रजाति का संरक्षण, इसमें क्या, एक से अधिक प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और बताइए कोई कोई भी अंतर। यहां पे क्या होता है ना, पूर्णतया पाबंदी होती है कोई भी मानवीय गतिविधि करने की, पूर्णतया पाबंदी। इसमें क्या, थोड़ा बहुत बोलते हैं कि सीमित पाबंदी रहती है इसमें, ठीक है, सीमित पाबंदी। ना तो आप इसमें कोई रिसर्च कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, यहां पे आप कर सकते हो, ठीक है, सीमित। तो ये था नॉर्मल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क राजस्थान में कौन कौन से, राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे। देखो राजस्थान में जब भी राजस्थान के पेपर वेपर देते हैं तो उसमें हमेशा तीन नेशनल पार्कों के नाम आते हैं, तीन नेशनल पार्क। केंद्र में कभी कभी पांच भी माने हुए हैं, केंद्रों की जो किताब आप देखोगे सेंट्रल की, यूपीएससी वगैरह में, तो वहां पांच माने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा जोड़ा हुआ है, एक सरिस्का उन्होंने जोड़ा हुआ है, और एक उन्होंने जोड़ा हुआ है कौन सा, मरु उद्यान जो है हमारा, जो बाड़मेर और जैसलमेर में लगा हुआ है, उसको भी उन्होंने नेशनल पार्क माना हुआ। तो उनके हिसाब से पांच हैं, ठीक है। लेकिन हम ज्योग्राफी में हम राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो तीन ही देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं रणथंभौर, ठीक है। अब रणथंभौर के बारे में देखिए आप, रणथंभौर जो है इसको, ये राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला, ठीक से सुनते जाइएगा, एक ही बार बोलूंगा, राजस्थान का पहला क्या है, राष्ट्रीय पार्क है। कब बना था, 1980 में बना था ये, ठीक है। इसकी जो टोटल जो वो है, इसका क्षेत्रफल जो है वो है 399 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 393 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें जो है ये, इसके लिए काम की दो बात थी। अब इसके बाद में एक देखते हैं क्या था कि टाइगर प्रोजेक्ट जो था ना, टाइगर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने कब चलाया था, 1973 में, ठीक है, हाँ 1973 में चलाया था। तो सबसे पहले जो टाइगर प्रोजेक्ट था ना वो इसी जगह चलाया गया था, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले कहां चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, रणथंभौर में ही चलाया गया था, ठीक है। अब बात यह आती है कि ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है इसको टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर रिजर्व क्या बोलते हैं इसको, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो यहां पे चला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम और देखिए, इस रणथंभौर नेशनल पार्क से संबंधित कुछ आंकड़े हैं, जैसे कैलाश सांखला का नाम सुना है आपने, कैलाश सांखला एक व्यक्ति है जिन्होंने दो किताबें लिखी, एक है दी टाइगर रिटर्न्स, ठीक है, ये उनमें से एक किताब का नाम क्या, दी टाइगर रिटर्न्स। ये जो किताब, इनको जो है माना जाता है कि भाई इन्होंने जो है टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए, और इसीलिए इनके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, जो भी अभी अभी हमारे राष्ट्र में, हमारे राजस्थान में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास करता, चाहे वो संस्थागत स्तर पे हो चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो, जब हम ये प्रयास कर रहे होते हैं तो उसके लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, कैलाश सांखला अवार्ड क्या है, दिया जाता है। यहां तक में कोई दिक्कत आपको? कैलाश सांखला के बारे में मैंने आपको बताया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में बताया, एक और चीज बताता हूं। देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सरिस्का में, कहां पे, सरिस्का में जो है हेलीकॉप्टर की मदद से कौन भेजे गए थे, टाइगर्स भेजे गए थे, ठीक है। उनके नाम क्या थे, सुल्तान और बबली, ठीक है, ये इन दोनों के नाम थे, सुल्तान और बबली। सुल्तान हो गया क्या, मेल टाइगर, और ये क्या हो गया, बबली क्या हो गई, फीमेल टाइगर, है ना। ये कहां भेजे गए थे, सरिस्का में भेजे गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब भेजे गए थे, 2008 में भेजे गए थे। यहां तक आपको कोई दिक्कत, यही सब है इसमें, और कुछ भी नहीं है। हाँ, दी टाइगर और दी टाइगर रिटर्न्स, एक किताब और कौन सी थी, दी टाइगर, ठीक है, मैंने देख के बता दिया आप लोगों को, दी टाइगर और दी टाइगर रिटर्न्स, दो किताबें थी। इसके अलावा आपको रणथंभौर के बारे में कुछ भी नहीं देखना है, रणथंभौर 1980, 393 किलोमीटर स्क्वायर, कैलाश सांखला और टाइगर रिजर्व जो है, अब रणथंभौर को जो है टाइगर रिजर्व तो कह ही देते हैं, ठीक है। ये थी क्या रणथंभौर के बारे में। अब मैं आता हूं दूसरे नेशनल पार्क पे, कुछ भी नहीं है दूसरा नेशनल पार्क।
अच्छा, साथ में यदि आपको और भी ध्यान रखना है ना इसमें, तो त्रिनेत्र मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किसमें? रणथंभौर नेशनल पार्क में। कुक्कुर घाटी किसमें? रणथंभौर नेशनल पार्क में। ओके, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, बाकी जोड़ते चलो। ठीक है, बात आती है कौन सी? गणा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या है? सेकंड नेशनल पार्क है अपना। सेकंड नेशनल पार्क कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? गणा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, गणा पक्षी अभयारण्य, या फिर इसको केवलादेव घना भी कहते हैं। ठीक है, केवलादेव घना, या फिर इसको क्या कह देते हैं? बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1981 में। ये राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्यों है? 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मात्र। ठीक है, 29 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की एकमात्र बर्ड सेंचुरी है ये। ठीक है, राजस्थान में एकमात्र बर्ड सेंचुरी है पक्षियों के लिए, सिर्फ एक ही यदि अभयारण्य अलग से बना हुआ है तो वो कौन सा है? सिर्फ यही है, घना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव घना है, ओनली एकमात्र। ठीक है, इसके अलावा में राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है बड़ोपल में। बड़ोपल में क्या प्रयास कर रही है? कि दूसरा स्थापित किया जाए, सेकंड जो पक्षियों के लिए जो है, जो बर्ड्स जो है उनके कंजर्वेशन के लिए बड़ोपल में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाला इलाका जो है पूरा सेम ग्रसित हो गया है, सेम की समस्या से ग्रसित हो गया है। ठीक है, फर्स्ट बर्ड सेंचुरी है ये राजस्थान की, और साथ ही साथ में ये क्या है? हमारी रामसर साइट भी है। ठीक है, अब बात आती है रामसर साइट्स। ठीक है, इसको यहीं कहीं पढ़ लो चाहे अलग से पढ़ लेना, चलो अलग से बताता हूँ रामसर साइट को, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। ये राजस्थान की रामसर साइट भी है, और राजस्थान की रामसर साइट ये कब बनी थी? 1985 में, सॉरी 1985 में बनी थी, और यूनेस्को ने भी शायद इसको मान्यता जो है वो 1985 में दी थी। यूनेस्को की विश्व विरासत की जो है, नेचुरल विरासत जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक विरासत की सूची में भी घना पक्षी अभयारण्य आता है। इसमें कोई दिक्कत तो आप बताइए। ये जो है डॉक्टर सलीम अली जो है, डॉक्टर सलीम अली, उनकी शरण स्थली रही है यहां पे, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किए हैं उन्होंने। ठीक है, इसके लिए घना पक्षी अभयारण्य के लिए पानी की पूर्ति कहां से हो रही है? ये मैंने आपको 10 बार बता दिया, अजान बांध से हो रही है। ठीक है, और अजान बांध में पानी की पूर्ति कहां से हो रही होती है? पांचना बांध से हो रही होती है। कोई दिक्कत यहां तक? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पांचना बांध से हो रही है। डॉक्टर सलीम अली ने यहां पे अत्यधिक रिसर्च की, और ये किसके लिए फेमस है? ये साइबेरियन क्रेन्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? साइबेरियन क्रेन्स के लिए ये अत्यधिक फेमस है। कौन? घना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ये था इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है? एक ये चतुर्भुज पे स्थित है। कौन से पे? स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रेंगल पे। क्यों? क्योंकि एक तरफ आगरा पड़ जाता है, एक तरफ जयपुर पड़ जाता है, एक तरफ दिल्ली पड़ता है, या तो आप गोल्डन ट्रायंगल भी कह सकते हो ना, स्वर्णिम त्रिकोण ही कहिए, ज्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि फिर तो क्या है? एक तरफ ये मथुरा वगैरह का इलाका आ जाता है, तो आप चतुर्भुज भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप त्रिकोण ही कहिए। ठीक है, स्वर्णिम त्रिकोण पे स्थित है। ये हो गया घना पक्षी अभयारण्य, कुछ भी नहीं था इसमें। अब देखिए, आप अलग से मैं आपको पहले बता देता हूं रामसर साइट्स के बारे में, फिर भूल जाएंगे। ठीक है, रामसर साइट्स का सिस्टम क्या है? रामसर साइट मैंने आपको बता दी है, हमारे राजस्थान में ऑलरेडी 2 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स 2 फरवरी 1971 को, 2 फेब 1971 को ईरान में रामसर जगह पे रामसर साइट्स स्थापित की गई। आर्द्र महत्व की, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र महत्व की जो भूमियां हैं उनकी स्थापना की गई है ना, तो इसमें राजस्थान की 2 आती है, एक तो आती है सांभर और एक आती है कौन सी? केवलादेव घना। ठीक है, और तीसरी और चौथी ये दोनों प्रस्तावित हैं जो अभी तक ऐड नहीं हुई है। टोटल रामसर साइट्स भारत में 27 हैं। ठीक है, अब तीसरी और चौथी कौन सी है? तीसरी है हमारी एक तो चंबल, और चौथी है हमारी मानसागर जिसको जल महल कहते हैं। ठीक है, जल महल, इसको भी रामसर साइट्स में शामिल करने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है इन दोनों को। ठीक है, तो ये हो गया रामसर साइट्स के बारे में, इतना ही था बस। और भरतपुर है ये, मैंने बता दिया आपको, सांवर और आएगा। एक सांवर क्यों आती है? क्योंकि एक तो कुरंजा पक्षी के लिए, और एक राजहंस पक्षी के लिए। राजहंस पक्षी कहां से आते हैं? जोधपुर से। कुरंजा पक्षी कहां से आते हैं? जोधपुर। ये राजहंस आते हैं गुजरात से, कुरंजा पक्षी आते हैं जोधपुर से। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे मुकुंद्रा हिल्स, तीसरा नेशनल पार्क है मुकुंद्रा हिल्स। राजस्थान में 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, और 2013 से इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया है। ठीक है, राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट फिलहाल 3 उसमें चल रहा है, 3 हम कह सकते हैं 3 नेशनल पार्क या फिर बर्ड सेंचुरीज में। एक तो है हमारा रणथंभौर, मैंने आपको पहले बता दिया, दूसरा मैंने आपको सरिस्का जो बता दिया है ऑलरेडी, और थर्ड जो है वो कौन सा है? मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, इन 3 में प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा?
टाइगर प्रोजेक्ट्स राजस्थान में तीन ही जगह पे चल रहा है अभी। यार ये जो रणथंबर वाला है ना, इस रणथंबर वाला सवाई माधोपुर से, इसमें एक टाइगर कॉरिडोर और बनाया जा रहा है, मैं बताना भूल गया आपको, सवाई माधोपुर से सीधा वो एमपी को जोड़ेगा। ये क्या होगा, एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। टाइगर कॉरिडोर का मतलब समझ रहे हो, सवाई माधोपुर में कौन रहते हैं, टाइगर रहते हैं, आपको पता ही है, रणथंबोर में, रणथंबोर से एमपी में भी कुछ टाइगर्स रहते हैं उधर के दूसरे इलाके में। अब उन दोनों के आपस में फ्री आवागमन के लिए, फ्री मूवमेंट के लिए क्या है, हम एक कॉरिडोर बना दे रहे हैं। उस कॉरिडोर में, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक रास्ता बना दे रहे हैं। उस रास्ते में क्या है, हम लोग नहीं चलेंगे सर, कौन चलेंगे, टाइगर चलेंगे, ठीक है। ये हो गया, मुकंदरा हिल्स की बात कर रहे थे। मुकंदरा हिल्स 2012 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और अभी भी है, और राजस्थान का ये नवीनतम नेशनल पार्क है, ठीक है। नेशनल पार्क थर्ड नंबर का जो है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 299 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 299 किलोमीटर स्क्वायर। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको एक बार बताया था ऐसे करके, जब मैं फिजियोग्राफी पढ़ा रहा था राजस्थान की, तो मैंने बताया था ये कौन सा हिस्सा है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बोलते हैं इसको, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियां भी जो है वो दो हिस्सों में, एक तो होती है बूंदी की पहाड़ियां, किसकी, बूंदी की पहाड़ियां, और एक क्या है, कोटा और झालावाड़ में इसको क्या बोल देते हैं, मुकंदरा हिल्स बोल देते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हो गया कोटा और ये हो गया झालावाड़, ये पूरा हिस्सा क्या है, मुकंदरा हिल्स के लिए आता है। कोई दिक्कत आपको मुकंदरा हिल्स समझने में, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस। ये किसके लिए फेमस है, मुकंदरा हिल्स वगैरह का क्षेत्र जो है, एक तो यहाँ पे क्या है, अबड़ी वीणी का महल पड़ता है, अबड़ी वीणी का महल, ठीक है, और एक कौन सा, गागरूनी तोता के लिए फेमस है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है मुकंदरा हिल्स में, इतना सा था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, बाघ परियोजना मैंने आपको बता दी 1973 में रणथंबोर में शुरू हुई थी, ये नेशनल पार्क नहीं था उस वक्त, नेशनल पार्क 1980 में बनाया रणथंबोर, लेकिन बाघ परियोजना 1973 में शुरू हो गई थी। सरिस्का में कब हुई थी, 5 साल बाद 1978 में शुरू हुई थी, और 2013 में मुकंदरा हिल्स, 2012 में मुकंदरा हिल्स बना था नेशनल पार्क, 2013 में यहां पे शुरू हो गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत। टाइगर कॉरिडोर मैंने आपको बताई दिया। आखेट निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं, बीच में मैंने क्या छोड़ दिया, वन्य जीव अभयारण्य छोड़ दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 26 है राजस्थान में, उनके 3 पेज के आपको नोट सीधे सीधे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो आखेट निषिद्ध क्षेत्र क्या होते हैं, जहां पे आखेट मतलब शिकार करना मना हो, राजस्थान में टोटल ऐसे कितने, 33 है, 33 में सबसे बड़ा वाला कौन सा है, एक है सावंतसर और कोटसर, इसका ही नाम है, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र का ही नाम है, सावंतसर कोटसर आखेट निषिद्ध क्षेत्र। एक कौन सा है हमारा, कनक सागर, ये कहां है, ये बूंदी में, ओके बूंदी में, ये सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, सबसे छोटा, और ये क्या है, ये चूरू बीकानेर की सीमा पे स्थित है, चूरू बीकानेर की पे, ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, ठीक है। और सबसे ज्यादा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पे है, तो वो है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में कितने हैं, 7, अकेले जोधपुर जिले में 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये आपको ध्यान रख लेना आखेट निषिद्ध क्षेत्र के बारे में। इन सेतु चल रहा है अभी भी, ठीक है, मतलब कौन सा चल रहा है, स्वस्थानीय संरक्षण चल रहा है, स्वस्थानीय, मैंने आपको नेशनल पार्क पढ़ा दिए, सारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह बता दिए, फिर मैंने आपको क्या बता दिया इसमें, ये आखिर निश्चित क्षेत्र बता दिए मैंने आपको, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो 26 जो है उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं, यहां तक कर चुके हम, इसके बाद में कौन सी बात आती है, आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स। राजस्थान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैं डेफिनेशन बता देता हूं, राजस्थान में तो एक भी है ही नहीं, वैसे टोटल 18 है ये पूरे इंडिया में। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, देखो क्या हो कि भाई हमने देखा कि नेशनल पार्क जो है वहां पे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, तो सरकार ने कहा कि जब हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये अंदर, ये किसी भी सपोज कोई भी क्षेत्र है उसमें नेशनल पार्क, उसमें टाइगर लाइन सब रह रहे हैं, वो मर रहे हैं, जी रहे हैं, या उनमें कोई बीमारियां हो रही हैं, उनके बारे में रिसर्च करना भी जरूरी है, और फिर वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो फालतू में बेकार में बिगड़ रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे नेशनल पार्क की डेफिनेशन क्या कहती है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वहां पे नहीं की जाएगी। तो हम क्यों ना एक अलग एक वो बनाते हैं, एक और जैव संरक्षण का, जीव संरक्षण का एक तरीका बनाते हैं, जहां पे क्या हो, पशुओं को भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, जिसको हम अंदर वाला हिस्सा बोल देंगे कोर, ठीक है, और फिर बाहर का जो हिस्सा है, इस पशुओं वाले हिस्से को, जो अंदर पशु रहते हैं उसके बाहर वाला जो हिस्सा है जिसमें हमको पता है कि इधर पशु नहीं आते, उस वाले हिस्से में क्या है, हम सीमित मानवीय गतिविधियां कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत होगी क्या। तो बायोस्फीयर रिजर्व यही कहता है
कि ये एक परिकल्पना 1971 में यूनेस्को द्वारा दी गई थी, मैव के नाम से, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम से दी गई थी। और ये परियोजना कहती है कि हमें जो जहां वन्य जीव रह रहे हैं उसको, उस इलाके को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और जो बाहर का इलाका है उसमें सीमित मानवीय गतिविधियां करनी है, और मुख्य रूप से क्या करना है, वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना है, ये इसका उद्देश्य था, सीमित मानवीय गतिविधियां। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह कि राजस्थान में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अपनी बात यहीं पर खत्म हो जाती है और इसमें कुछ भी नहीं देखना। ये कौन से हो गए, इन सितु के मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब बात आती है एक्स सितु की। ठीक है, एक्स सितु की बात आती है, एक्स सितु में क्या क्या आता है, एक और आते हैं इन सितु में कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स जो है फिलहाल राजस्थान में टोटल 12 हैं, और कंजर्वेशन रिजर्व्स भी ऐसे होते हैं उनमें भी जो है जीवों का संरक्षण किया जा रहा होता है, लेकिन वो छोटे स्तर के होते हैं। तो जो फिलहाल जो अभी तक हमारी बुक्स में अपडेटेड होंगे शायद 10, लेकिन टोटल जो है 12 हो गए। 12 के 12 के नाम, एक तो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ कहाँ पे और कंजर्वेशन रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे, उनके 12 के नाम एक साथ में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स सितु पे। बहुत छोटा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक्स सितु पे आते हैं, किस पे, एक्स सितु मतलब बही स्थान पे। बही स्थान में क्या क्या आएगा, एक आएगा तुम्हारा जंतुवालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, जू। ठीक है, एक अपना कौन सा आएगा, जू के अलावा में कंजर्व, ये मृगवन। ठीक है, मृगवन आएंगे ये मुख्य, और एक होती है जीन बैंक्स। तो जीन बैंक्स के बारे में तो अभी खुली नहीं है, और ये खुल रही है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो जीन बैंक्स के बारे में नहीं पढ़ना, अपने को इन दोनों के बारे में पढ़ना है। जंतुवालय, फिलहाल राजस्थान में कितने जंतुवालय हैं, कितने जू हैं, 6 जू। अब वो 6 कौन कौन से हैं, देखो एक तो अजमेर में नहीं है और एक भरतपुर में नहीं है। ठीक है, अजमेर संभाग में नहीं है और भरतपुर संभाग में नहीं है, मतलब बाकी 5 संभागों में है। ठीक है, प्लस एक संभाग में एक और है, जयपुर संभाग में एक और है, कौन सा, नाहरगढ़। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, नाहरगढ़ क्या है, जंतुवालय भी है, जू भी है, दोनों काम किए जा रहे हैं नाहरगढ़ में। ठीक है, तो 5 संभाग हो गए और प्लस एक नाहरगढ़ हो गया। अब इनको हम लाइन से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो है कौन सा है, सबसे पहला बना हुआ भी यही है, रामनिवास गार्डन जिसको हम बोलते हैं, या फिर रामनिवास जंतुवालय, दोनों एक्चुअली क्या है, आमने सामने ही, गार्डन भी और जंतुवालय आमने सामने बने हुए। तो रामनिवास जंतुवालय में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो जंतुवालय है इसे बनाया गया था 1876 में। आपने सुना होगा न्यूज में, 2 साल पहले खबर भी आई थी, 2 सवा 2 साल पहले, कि भाई इसकी जो 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, इस जंतुवालय की 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, न्यूज पेपर्स में था ये काफी। 1876 में बना था, किसने बनाया था इसको, राम सिंह सेकंड ने, ये आप ध्यान में रख लेना, राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये सबसे पहला जंतुवालय राजस्थान का। और फिलहाल जो है इसका कुछ यहां से, ये रामनिवास जंतुवालय में से कुछ जीवों को कहां शिफ्ट कर दिया गया है, नाहरगढ़ जंतुवालय में भी शिफ्ट कर दिया गया है। ये होता है हमारा रामनिवास जंतुवालय, 2 लाइनें बस। फिर इसके बाद देखिए आप कौन सा है, उदयपुर वाला, उदयपुर भी एक संभाग है। पहले उदयपुर में क्या था ना, गुलाब बाग में था, 1878 में बना था ये, लेकिन अब उसको स्थापित कहां कर दिया, सज्जनगढ़ में स्थापित कर दिया है। कहां पे कर दिया, सज्जनगढ़ में इसको स्थापित कर दिया गया, उदयपुर वाले को। बीकानेर वाला जो है वो वर्तमान में बंद है, एक ही लाइन लिख देनी है उसमें। फिर कोटा का जो है वो बना है 1954 में। कोटा का कब बना है, 1954 में, मतलब आजादी के बाद राजस्थान में नवीनतम यदि कोई बना था तो वो कोटा बना है। ठीक है, इसके अलावा में और कौन सा बच गया, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग में भी, जोधपुर में भी क्या है, एक जंतुवालय है। उसके बारे में और कुछ भी नॉलेज की बात नहीं है। ठीक है, फिर बात आते हैं 7 मृगवन, 7 मृगवन। देखो इसकी ट्रिक होती है, संजय और अशोक पुष्प लेकर, संजय और अशोक पुष्प लेकर माचिया बा सफारी
से सज्जनता से मिले, ये इसकी एक ट्रिक है इन मृगवनों को याद करने की। संजय और अशोक, ये दो, संजय मृगवन, अशोक मृगवन, और ये कौन सा है, पुष्कर मृगवन, माचिया सफारी, माचिया मृगवन, सफारी मृगवन, सज्जन गढ़ मृगवन, और सज्जनता से दुर्ग पे मिले, दुर्ग पर मिले। ये कौन सा है, दुर्ग वाला है अपना, ठीक है, दुर्ग मृगवन है, ठीक है। ये सात मृगवन है, और सातों सातों मृगवन का आप देख लीजिए, सज्जनगढ़ और अशोक जो है वो दोनों दोनों कहां पे, जयपुर में, ठीक है। पुष्प वाला कहां पे, पुष्कर में, ठीक है, अजमेर में। माचिया और सफारी ये दोनों कहां है, जोधपुर में। आपको पता होगा सलमान खान का जो केस है यहीं पे तो किया है, माचिया सफारी वाले क्षेत्र में तो किया है उन्होंने। क्या किया है, जो यहां पे मृग का एक जो शिकार जो बोलते हैं हम, ब्लैक वाले मृग का, यहीं पे है ना, ब्लैक डियर का। सज्जनता मतलब सज्जनगढ़, ये कहां पे पड़ेगा, उदयपुर में। सज्जनगढ़ मृगवन ये कहां पड़ेगा, उदयपुर में। और ये कौन सा, दुर्ग, ये कहां पे पड़ेगा, दुर्ग मृगवन चित्तौड़गढ़ में। आपको कोई दिक्कत, आपके पास ट्रिक रही क्या। संजय और अशोक दो बंदे हैं, ठीक है, संजय और अशोक किससे मिलने गए, अपनी प्रेमिकाओं से। संजय की प्रेमिका का नाम क्या है, माचिया, और अशोक की प्रेमिका का नाम क्या है, सफारी, ठीक है। संजय और अशोक पुष्प लेकर, फूल लेकर, पुष्कर मृगवन, ठीक है, पुष्प, माचिया व सफारी से सज्जनता से दुर्ग पर मिले। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है। तो ये था हमारा वन्य जीव का चैप्टर, वन्य जीव संरक्षण। इससे ज्यादा और इसमें कुछ भी नहीं है, राजस्थान में हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया वन्य जीव अभयारण्य का और कंजर्वेशन रिजर्व का, आपको बाकायदा PDF दे दिया जाएगा साथ के साथ में, उसमें कुछ भी नहीं था पढ़ने का। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में बाकी आगे का हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।